चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसे आप टाई से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, टाई से। कैसे, आइए देखते हैं इस ट्रिक को। किसी भी टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, 10 से लेके 99 तक कोई भी नंबर ले लीजिए, आप उसका मल्टीप्लिकेशन 2 सेकंड में कर देंगे ट्रिक फ्रॉम टाई के मेथड से। तो आइए देखते हैं कैसे। 25 मल्टीप्लाई 27 यानी 25 गुना 27। तो सबसे पहले क्या करना है, 7 को 5 से गुना करना है, यानी यूनिट प्लेस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 5 35, तो यहाँ लिख देंगे 5, 35 नहीं लिखेंगे, 3 दे देंगे कैरी और 5 यहाँ पे लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली जो डिजिट थी उससे नीचे वाली डिजिट को, तो ये कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब सेकंड स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 7 14, तो यहाँ लिख देंगे 14, और 5 2 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 0 4, 1 प्लस 1 2। अब यहाँ पे आ गया 24, लेकिन यहाँ पे 3 कैरी और दिया था, यहाँ पे 35 आया था, 5 लिख के 3 कैरी, तो 24 में जब हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ लिख देंगे 7 और 2 कैरी चला जाएगा। हाँ, अभी भी कैरी जाएगा, यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ इस वाले नंबर को इस साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, और इस वाले नंबर को इस साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो यहाँ पे टेंस के प्लेस पे नंबर्स दिए हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ 2 दिया है और यहाँ पे भी 2 दिया है, तो 2 2 4। अब 4 में 2 ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 27 आया था, तो 2 कैरी चला गया था, तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ लिख देंगे 6 और ये आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पे टेंस के प्लेस पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई का पैटर्न कुछ ऐसा होगा, ऊपर वाली डिजिट को नीचे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई किया। तो अब इस पैटर्न को अगर हम जोड़ें, तो देखो ये ऐसे जुड़ रहा है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, तो ये एक टाई, वो टाई जिसे कहते हैं, उसका एक पैटर्न बन गया है। तो यहाँ पे आंसर भी आ गया और यहाँ पे ये फिगर भी बन गया बो टाई का। तो देखा, ट्रिक फ्रॉम टाई, तो टाई से हमने ये आंसर निकाल लिया। बस इस टाई की हमें याद रखना है कि ऊपर वाली नीचे से मल्टीप्लाई करना है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और देन टेंस प्लेस पे मल्टीप्लाई करना है। तो इस मेथड को कहा जाता है बो टाई मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हाँ, इस मेथड को कहते हैं बो टाई मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आप बो टाई से, इस टाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 डिजिट की नंबर्स को, 10 से लेके 99 तक कोई भी नंबर 2 सेकंड के अंदर अंदर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये है 34 मल्टीप्लाई 28 यानी 34 गुना 28। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न सबसे पहले हम ये कैसे बना देंगे, ऊपर वाली जो डिजिट है वो नीचे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई। तो 4 8 करो या 8 4 करो, बात वही आएगी। सो 8 4 32, तो यहाँ लिख देंगे 2 और 3 कैरी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो वो पैटर्न क्या है,
ये वाली डिजिट इस डिजिट से मल्टीप्लाई और ये वाली डिजिट इस डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके तो यहाँ 3 है तो 3 को 8 से करेंगे और यहाँ 4 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सो 8 3 24 और उसके बाद यहाँ 4 है तो 4 2 8 तो ये हो गया। अब 8 में हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 12। तो यहाँ लिख देंगे 2 और 1 कैरी चला गया। अब 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 तो ये हो गया 32। तो यहाँ पे 32 हो गया लेकिन यहाँ पे 3 कैरी दिया था तो 32 में जब हम 3 कैरी ऐड कर देंगे तो कितना होगा 35। तो यहाँ लिख देंगे 5 और 3 कैरी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, टेंस के प्लेस पे जो नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ है 3 और यहाँ है 2 तो 3 2 6। अब 6 हो गया और यहाँ पे 3 कैरी दिया था तो जब 6 में हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो और ये यहाँ पे आंसर निकल के आ गया और यहाँ पे ये पैटर्न जो था इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये बन गया बो टाई और आंसर भी आ गया 2 सेकंड के अंदर अंदर। ये मैंने आपको समझाते हुए किया, कुछ कहेंगे इससे जल्दी तो हम मल्टीप्लीकेशन पूरा कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं लेकिन आप इसे भी 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 57 मल्टीप्लाई 61। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली डिजिट को नीचे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 7 है और यहाँ 1 है तो 7 मल्टीप्लाई 1 7 ही होगा तो यहाँ लिख देंगे 7। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका पैटर्न क्या होगा, ये वाली डिजिट इस डिजिट से मल्टीप्लाई होगी और ये वाली डिजिट इस डिजिट से मल्टीप्लाई होगी, ये इसका पैटर्न हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1 और 7 मल्टीप्लाई 6 तो 5 1 5 7 6 42 तो यहाँ लिख देंगे 42। अब इन्हें ऐड कर देंगे सो 5 प्लस 2 7 तो यहाँ लिख देंगे 7 और ये जो 4 है उसको यहाँ पे उतार देंगे तो कितना हुआ ये 47। अब हम 47 का 47 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 और 4 कैरी गया। अब क्या करेंगे, टेंस के प्लेस पे जो नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई, तो उनका पैटर्न क्या होगा, ऊपर वाली जो डिजिट है टेंस के प्लेस पी उसके यहाँ से नीचे वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन गया। तो अब यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 6 तो 5 6 30। अब 30 आंसर यहाँ पे लिख देंगे क्या, नहीं क्योंकि यहाँ पे 4 कैरी गया था तो 30 में प्लस 4 कर देंगे तो 30 प्लस 4 कितना होगा 34 और यहाँ लिख देंगे 34 और ये आंसर निकल के आ गया। अब इस पैटर्न को अगर ज्वाइन करें तो ये बन गया वो टाई। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, 56 मल्टीप्लाई 25। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले कौन सा पैटर्न, ऊपर वाली डिजिट को नीचे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ है 6 और यहाँ है 5 तो क्या करेंगे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 तो 30 का यहाँ पे 0 लिख देंगे और 3 दे देंगे कैरी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न ये वाली डिजिट इस डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली डिजिट इस डिजिट से। तो यहाँ 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 5 होगा और यहाँ 6 और यहाँ 2 है तो 6 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 5 5 25 6 2 12। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 2 7 तो यहाँ लिख देंगे 7। अब यहाँ 2 है और यहाँ 1 तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3 तो ये हो गया 37। लेकिन यहाँ पे हमने 3 कैरी भी दिया था 6
थ्री कैरी, तो 37 में हम 3 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 37 प्लस 3 हो जाएगा 40, तो 40 का 0 तो यहाँ लिख देंगे और 4 कैरी दे देंगे। ओके, यहाँ पे 4 कैरी चली गई। अब क्या करना है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऊपर वाली डिजिट को नीचे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या दिया है 5 और यहाँ 2, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 टू 10, अब 10 यहाँ लिख देंगे, नहीं यहाँ पे 4 कैरी दिया है तो उसमें 4 ऐड कर देंगे, सो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ लिख देंगे 14 और ये आंसर निकल के आ गया। अब पैटर्न को ज्वाइन कर देंगे तो ये बन गए बो टाई। तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उन्हें एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर वाली डिजिट को नीचे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 है और यहाँ 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे पैटर्न इस तरह बनेगा, ये वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई और ये वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 है तो इसे 2 से करेंगे, यहाँ 1 है तो इसे यहाँ पे 2 से करेंगे, सो 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 ही होगा, अब इन्हें ऐड कर देंगे, सो 4 में अगर हम 2 जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 6, यानी 6, तो ये 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेंस की प्लेस पे जो नंबर्स हैं उन्हें एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पैटर्न कुछ इस तरह होगा, ऊपर वाली डिजिट को नीचे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, सो 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और ये आंसर निकल के आ गया 462, और अगर हम इस पैटर्न को ज्वाइन कर देते हैं तो ये बन गया बो टाई। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है 59 मल्टीप्लाई 35, 59 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे बताई इस ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है आप ये पैटर्न बना बना के भी कर सकते हैं, ऐसे पैटर्न को दिमाग में रख लो, पहले ऊपर वाली डिजिट यूनिट प्लेस पे जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टेंस के प्लेस पे जो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करना क्या है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आया वो लिख देंगे, अगर 2 डिजिट में आंसर आया तो 1s के प्लेस पे जो डिजिट है वो लिख देंगे और 10s वाली को कैरी दे देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड कर देंगे, फिर अगर यहाँ पे कैरी गया है तो उस कैरी को भी उसमें ऐड कर देंगे, तो अगर ये 2 डिजिट से ज्यादा आ रहा है तो वही करेंगे, 1s के प्लेस का नंबर लिख देंगे और अगले को कैरी दे देंगे, फिर यहाँ पे 10s के प्लेस पे जो है उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और जो कैरी आया होगा उसे उसमें ऐड करके लिख देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा 2 सेकंड के अंदर अंदर, तो है ना ये कमाल की ट्रिक, ट्रिक फ्रॉम टाई, आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं टाई के मेथड से, और ये जो मल्टीप्लीकेशन करके बताया ये है बो टाई मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। वीडियो समझ नहीं आई तो दोबारा देख लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।